प्यारे बच्चों, कक्षा 11 नागरिक शास्त्र की कक्षा में मैं शैलेंद्र चौधरी, प्रवक्ता पटेल स्मारक इंटर कॉलेज भटहट गोरखपुर, आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम खंड का पुस्तक समकालीन विश्व राजनीति नामक पुस्तक के अध्याय 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि किसी भी देश को, समाज को या किसी अन्य संगठन को चलाने के लिए एक संगठन होता है जो उसकी व्यवस्थाएं देखता है। इस अध्याय में हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन व उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। दूसरा पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ और उसका विकास कैसे हुआ। इसके अलावा शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या सुधारों की मांग की गई और उसमें कहां तक सुधार किए जा चुके हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आगे एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका के बारे में हम पढ़ेंगे। बच्चों, आप जानते हैं कि 1991 के बाद विश्व एक ध्रुवीय हो गया था और ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका में बदलाव होना स्वाभाविक था। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सुधारों की मांग की जा रही है उसमें भारत के भी अपने पक्ष हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके अलावा जो एक ध्रुवीय विश्व हुआ है, अमेरिका वर्चस्व स्थापित हुई है, उसके बारे में इस अध्याय के अंत में हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, हम आते हैं पहले बिंदु की तरफ, अंतर्राष्ट्रीय संगठन व उसकी आवश्यकता। देखिए बच्चों, पूरे विश्व में जो शीत युद्ध का दौर था और उसके बाद की भूमिकाओं को आपने पिछले अध्यायों में अध्ययन किया है, यहां हम यह अध्ययन करेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो गठित संयुक्त राष्ट्र संघ नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी, वे अपने उद्देश्यों में कहां तक सफल रही और कितना वह आगे बढ़ पाई। बच्चों, पहला प्रश्न उठता है कि किसी संगठन की आवश्यकता क्यों होती है। देखिए, व्यवस्थाओं को चलाने के लिए, मुद्दों को सुलझाने के लिए आपसी बातचीत आवश्यक होता है। इसी संदर्भ में जो दूसरे महासचिव संयुक्त राष्ट्र के थे, डेग हैमरसोल्ड जी ने कहा था, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। इस संगठन का इस गठन जो किया गया वह विश्व को तीसरे युद्ध से या खतरों से बचाने के लिए किया गया, आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए ऐसे संगठन की आवश्यकता थी। बच्चों, जो बातचीत का माध्यम होता है वह सबसे सरल माध्यम होता है। चर्चिल ने भी इस संदर्भ में कहा था कि युद्धों की तलवार भाजने की अपेक्षा और लड़ाने की अपेक्षा आवश्यक है कि हम बातचीत कर लें आपस में। और संयुक्त राष्ट्र संघ पूरे विश्व का एक ऐसा संगठन है जिसमें सभी देशों के सदस्यगण इकट्ठा होकर आपसी बातचीत करते हैं और जो आपसी मुद्दे होते हैं उन्हें हल करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि बच्चों, किसी भी समस्या का समाधान युद्धों से नहीं किया जा सकता, यह पूरा विश्व भली भांति समझ चुका है।
बच्चों, इसके बाद हम आते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके विकास के संदर्भ में। देखिए बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशन का गठन हुआ, राष्ट्र संघ नामक संस्था का प्रादुर्भाव हुआ। कुछ प्रारंभिक सफलताएं तो उसने प्राप्त किया, लेकिन बाद में क्या हुआ कि वह द्वितीय विश्व युद्ध रोकने में पूर्णतः सफल सिद्ध हुआ। और ऐसी स्थिति में द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ वो भयंकर था, जनहानि ज्यादा हुई, और इससे प्रेरणा लेते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया 24 अक्टूबर 1945 के को संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर 51 देशों द्वारा हस्ताक्षर किया गया। बच्चों एक चीज यहां और ध्यान दीजिएगा, भारत इसका संस्थापक देश है, संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक देश आपका देश भी है। इसकी महत्व को इस बात से समझा जा सकता है कि वर्तमान में इसके 193 सदस्य हो चुके हैं, 193 सदस्य हो चुके हैं इसके, जो कारवां 51 सदस्यों से चला था। और वर्तमान में पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरस इसके महासचिव हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, जो महासचिव आम सभा के, जहां सभी देशों के प्रतिनिधि होते हैं, सदस्यों और सुरक्षा परिषद के जो अस्थाई सदस्य हैं उनके समर्थन से चुना जाता है। इसका संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य था विश्व में शांति स्थापित करना, हथियारों की दौड़ को रोकना और विकास की, अर्थात पूरे विश्व में विकास की सतत प्रक्रिया को प्रारंभ रखना। जो गरीब देश हैं उन्हें मदद ज्यादा पहुंचाना, जो कमजोर हैं उनको सुरक्षित करना, ऐसा ना हो कि कोई देश जो बहुत शक्तिशाली हो उस जो कमजोर देश है उस पर आधिपत्य कर ले। इन सभी प्रक्रियाओं को रोकने की के लिए इसी उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रमुख अंग है बच्चों, वह सुरक्षा परिषद पहला है। यह सुरक्षा परिषद में कुल वर्तमान में 15 सदस्य हैं, 5 अस्थाई जिन्हें वीटो का अधिकार है और 10 अस्थाई सदस्य होते हैं। आगे हम इसको देखेंगे कि सुधार प्रक्रियाओं के अंतर्गत कि सुरक्षा परिषद के विस्तार के लेकर कैसे विवाद हो रहे हैं। महासभा में सभी सदस्य होते हैं और उनको एक मत का अधिकार होता है, जिसका प्रमुख जो है महासचिव कहलाता है। इसके बाद सामाजिक व आर्थिक परिषद होती है, फिर सचिवालय आता है। सचिवालय इसका जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में स्थित है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इसका एक है, और जो संरक्षण परिषद जिसे न्यास परिषद भी कहते हैं, जिसे बाद में समाप्त कर दिया गया। बच्चों इस तरह ये 6 अंग उसके थे और अब वर्तमान में 5 अंग देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी ऐसा नहीं है संयुक्त राष्ट्र संघ केवल इन्हीं से काम चल जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ एक विशाल परिदृश्य में काम करता है बच्चों, जिसको आप इसके माध्यम से देख सकते हैं। देखिए सुरक्षा परिषद के जो 15 सदस्य होते हैं, 5 अस्थाई, उसमें अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, यह 5ों अस्थाई सदस्य, इन्हें वीटो का अधिकार है। देखो बच्चों एक चीज यहां समझ लो, वीटो का अधिकार या जिसे निषेधाधिकार कहते हैं वो क्या है। इसका तात्पर्य है कि वह किसी प्रस्ताव को यदि वीटो कर देता है तो वह प्रस्ताव पारित नहीं होगा महासभा द्वारा, भले ही पूरी महासभा और 4
सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य एक तरफ हों, लेकिन यदि सुरक्षा परिषद का कोई भी स्थायी सदस्य उस प्रस्ताव पर वीटो कर देता है तो वह प्रस्ताव पारित नहीं होता है। देखिए बच्चों, इसकी जो आम सभा होती है यह महत्वपूर्ण होती है, यह इसके प्रति उत्तरदायी होता है। देखिए चार्ट के माध्यम से, फिर सहायक निकाय जो इसके गठन किए जाते हैं, सैन्य समिति, अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण सहित जो अभियान चलते हैं वो सुरक्षा परिषद के नेतृत्व में चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के सदस्य आम सभा और सुरक्षा परिषद द्वारा चुने जाते हैं। जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय हेग में स्थित है, इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं और 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और ये उत्तरदायी भी यहीं होते हैं। सचिवालय के संगठन और कार्यों के लिए जो स्टाफ होता है वह आम सभा के द्वारा नियुक्त होती है और उसके प्रति काम करती है। ये पूरा चार्ट जो है बेटा, देखिए संबद्ध संगठन जो है अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा हो, वो दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है, इनके द्वारा नियुक्त किया जाता है। UNTDP, UNEP, ये सब जो कार्यक्रम चलते हैं वो आम सभा के द्वारा है। इस तरह ये पूरा चार्ट बच्चों ये दिखाता है किस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ अपने कार्यों को संपादित करती है। बच्चों अब आगे बढ़ते हैं हम, शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है 1991 के बाद एक बदलाव के दौर से गुजरा। वह क्या था बदलाव, वह क्यों उत्पन्न हुआ, उसका मूल कारण था सोवियत संघ का विघटन। 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो विश्व एक ध्रुवीय हो गया, शीत युद्ध का दौर खत्म हो गया। अमेरिका के साथ रूस का संबंध बढ़ने लगा, मधुर होने लगा। जो तनाव चलता था, जो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस था, अब रूस का अमेरिका से निकटता बढ़ने लगी। संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या बदलाव हुआ, एकाएक उसके सदस्य संख्या बढ़ी, विश्व एक ध्रुवीय हुआ, अमेरिका वर्चस्व होने लगा। तो इन सब परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र संघ में मांग उठने लगी बदलाव की। 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में यह कहा गया कि जो निर्णय हो रहे हैं उस पे राजनीतिक प्रभाव पश्चिम के देशों और उनके गुटों का ज्यादा है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा आम सभा ने कि सुरक्षा परिषद को और लोकतांत्रिक बनाए जाने की आवश्यकता है। ये सब जो मांगे उठी, इन मांगों में सुरक्षा परिषद को भी सोचने के लिए विवश कर दिया। और ये दो तरह के परिवर्तन उस समय देखने को मिले। मांग दो तरह की थी, एक तो प्रक्रियाओं और ढांचे में सुधार के लिए और दूसरा न्यायाधिकार में आने वाले मुद्दों को लेकर सुधार। अब हम प्रक्रियाओं और ढांचे में सुधार की तरफ आते हैं। 1997 में तत्कालीन महासचिव कोफी अन्नान जी ने एक समिति गठित किया कि सुरक्षा परिषद में विस्तार के लिए एक सुझाव प्रस्तुत करे। जिसने अपने सुझाव तो दिए, वो सुझाव क्या थे, उसने पहला दिया कि वह एक बड़ी आर्थिक शक्ति हो, दूसरा
वह एक बड़ा सैन्य शक्ति वाला देश हो। तीसरा, वह लोकतांत्रिक और मानवाधिकारों की रक्षा करने वाला देश हो। चौथा, वह विशाल जनसंख्या वाला हो। पांचवा, उसके भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता वाला देश हो। अब बच्चों, जो ये सुझाव दिया गया, इस सुझाव में भी कोई अस्पष्टता नहीं थी। विभिन्न देशों ने, चाहे वह सुरक्षा परिषद का सदस्य बनना चाहने वाला देश हो या ना बनने जो चाहता है वो देश हो, सभी ने कहा कि आर्थिक का पैमाना क्या होगा, कितने आर्थिक विकास की आवश्यकता होगी और वह कितना योगदान दे, संयुक्त राष्ट्र संघ में कितना योगदान दे। सैन्य शक्ति के मामले में कहा गया कि यह शर्तें क्यों लगाई गई, जब सैन्य शक्ति को सीमित करने अर्थात युद्धों को सीमित करने की बात कही जा रही है, युद्धों को समाप्त करने की बात कही जा रही है मानवता के लिए, तो यह शर्त अननेसेसरी क्यों लगाया गया। इसके अलावा लोकतांत्रिक और मानवाधिकारों के लिए कहा बात आई, इसका निर्धारण कौन करेगा। जनसंख्या पूरे विश्व की लगातार बढ़ रही है और इसके दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में जनसंख्या की शर्त क्यों लगाई गई। बच्चों, एक चीज यहां समझ लेनी चाहिए कि यह जो सुधारों के लिए समिति ने सुझाव दिए कि इन बिंदुओं पर जो देश खरा उतरे वह सुरक्षा परिषद का सदस्य बन सकता है, लेकिन उसका निर्धारण नहीं हुआ। यह एक बहुत बड़ी विडंबना थी और इसी को सुधार के लिए आम सभा ने प्रस्ताव पारित किया और लगातार निरंतर मांग चल रही है कि सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या बढ़ाई जाए और निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है उसे लोकतांत्रिक किया जाए, अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ को लोकतांत्रिक स्वरूप प्रदान किया जाए। फिर दूसरा आता है न्यायाधिकार में आने वाले मुद्दों में सुधार। यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। इसके लिए जो समिति आया उसने एक सुझाव दिया कि एक लोकतांत्रिक कोष बनाया जाए, आतंकवाद की आलोचना किया जाए, मानवाधिकार आयोग बनाया जाए, शांति स्थापना आयोग गठित किया जाए। अब यहां भी एक प्रश्न उठ रहा है, यह जो सुधार की प्रक्रिया विश्व के देशों द्वारा किया जा रहा था वह कहां तक पहुंचा। जब शांति स्थापना प्रक्रिया की बात आई, आयोग गठन की बात आई, तो यह नहीं स्पष्ट किया गया कि उसके अधिकार क्षेत्र क्या होंगे। लोकतांत्रिक कोष की समस्या, कैसे देशों को मदद किया जाएगा, किसे लोकतांत्रिक माना जाएगा। ठीक है, न्यास परिषद को समाप्त कर दिया गया, कोई बात नहीं। मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकारों की उचित परिभाषा कौन करेगा,
यह भी एक प्रश्न खड़ा हो गया। आतंकवाद के मुद्दे पर यह कहा गया कि जो आतंकवाद का मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दा, वह विभिन्न देशों द्वारा विभिन्न प्रकार परिभाषित किए जाते हैं, क्या इसका कोई सर्वमान्य हल निकल सकता है? तो शांत व सुरक्षा संबंधी कार्यों के अलावा जो मानव कल्याण संबंधी कार्यों की बात आती है, संयुक्त राष्ट्र संघ में इन मुद्दों को लेकर सुधार की मांग निरंतर उठती रही। भारत भी इनसे पीछे नहीं रहा, क्योंकि भारत भी उसका संस्थापक सदस्य रहा है और भारत भी संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की प्रक्रिया का समर्थक रहा है और उसे लोकतांत्रिक स्वरूप प्रदान करने के लिए कृत संकल्प है। बच्चों, इसके बाद हम इस चित्र से देखते हैं जो इनकी संस्था स्थापना अभियान के आयोग गठित किया गया उन किन किन देशों में है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ जो शांति स्थापना अभियानों के कार्यालय बनाए गए हैं, वह कहां कहां? माली, पश्चिमी सहारा, मध्य अफ्रीका, वाफोर, कोसोवो, साइप्रस, लेबनान, भारत और पाकिस्तान, जो आपके देश के सीरिया, मध्य एशिया, ये सब देशों में, अर्थात पूरे विश्व में जहां जहां हिंसाग्रस्त क्षेत्र थे या अशांतिपूर्ण क्षेत्र थे, वहां वहां संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी शांत स्थापना के लिए कार्यालयों का निर्माण किया। बच्चों, फिर आते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ और भारत। जैसा कि हमने बताया कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य रहा है और वह इस बात का समर्थन करता है कि सुरक्षा परिषद की अस्थाई सदस्य संख्या बढ़ाई जाए, जिससे पूरे देश, पूरे विश्व को जो ये संगठन है उसे लोकतांत्रिक स्वरूप प्रदान किया जा सके। भारत इस संयुक्त राष्ट्र संघ के हर मुद्दों में साथ रहा है, हर प्रक्रियाओं में साथ रहा है, समय से अपने अंशदान प्रदान करता रहा और ये सब भारत अपने जो कार्य हैं उनको देखते हुए अस्थाई सदस्यता की मांग करता है, क्योंकि जनसंख्या भी है हमारी, विविधताओं वाला हम देश भी हैं, हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से विकास की गति पे है और हमारी सैन्य क्षमता भी मजबूत है। लेकिन कुछ देश हमारे इस अभियान को रोकने की कोशिश करते हैं। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान और उसके कुछ समर्थक देश इसमें प्रमुख हैं कि भारत को अस्थाई सदस्यता नहीं दी जानी चाहिए और संयुक्त राष्ट्र संघ के एजेंडे में विकास प्रमुख को, भारत की सदैव यह मांग रही है कि विकास को प्रमुखता दी जाए। सामाजिक एवं आर्थिक परिषद जो है वह ऐसी प्रक्रियाएं रचे कि जिससे निम्नतर देश, जो गरीब देश हैं, उन्हें मदद मिल सके। विकास के एजेंडे में भारत की मांग है कि जो अंतरराष्ट्रीय समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए सभी की भूमिका निर्धारित की जाए, जिससे कि सभी देश उस प्रक्रिया में अपना योगदान देके विकास की गति को प्राप्त कर सकें। नहीं तो होता क्या है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वह कोई लक्ष्य निर्धारित करे तो समस्या ये आती है कि अंशदान कौन देगा और उसका लाभ कौन लेगा। भारत यही कहता है कि उसके एजेंडे में विकास को प्रमुखता इसलिए दी जाए क्योंकि जो अंतरराष्ट्रीय मुद्दे हैं उसकी जवाबदेही सबकी है और सभी देशों को अपनी उनकी क्षमता अनुसार योगदान दे और लाभ बराबर में सबको मिले। बच्चों, अब आते हैं लास्ट बिंदु की तरफ। एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ जब 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद केवल अमेरिका एक शक्तिशाली राष्ट्र बचा, उस स्थिति में अमेरिकी वर्चस्व
कायम हुआ। अमेरिकी वर्चस्व का मतलब है कि पश्चिमी देशों का वर्चस्व, वे जिस हिसाब से चाहें संयुक्त राष्ट्र संघ का उपयोग कर सकते हैं। वह अपने कार्यों को करवाने के लिए किस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ का उपयोग करते हैं आप इस चित्र के कार्टून के माध्यम से देख सकते हैं। अमेरिका है, उसके एक हाथ में यूनाइटेड नेशन अर्थात संयुक्त राष्ट्र है और एक हाथ में देख रहे हैं युद्ध का प्रतीक बना हुआ वार लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि अगर दाएं हाथ से बात नहीं समझोगे तो बाएं हाथ से समझाया जाएगा, अर्थात यदि यूनाइटेड नेशन के माध्यम से आप बात नहीं समझोगे उसकी, अर्थात उसके हितों से कुठाराघात करोगे उसके हितों पर, तो वह वार का सहारा लेगा, युद्ध का सहारा लेगा। और एक बात है, संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे ज्यादा 22% योगदान अमेरिका देता है, शक्ति के मामले में भी बहुत आगे है, इसलिए और उसके पास वीटो पावर भी है। इसी स्थिति में बच्चों जो ये है स्थित अमेरिका की संयुक्त राष्ट्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थित है, इसीलिए बच्चों जो कहा गया है अमेरिकी वर्चस्व एक ध्रुवीय विश्व में वह नितांत सही है। बच्चों एक चीज और यहां समझ लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार के लिए निरंतर प्रयास चल रहे हैं और ये प्रयास निरंतर चलते रहेंगे। इसी के साथ बच्चों ये अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।